बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आम पन्ना की रेसिपी लेकर आया हूँ। आप इसको आम का शरबत भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो आम ले लिए हैं, इनके छिलके उतार लेते हैं। पहले छिलके उतार कर इसकी कटिंग कर लेते हैं आराम से। छिलके मैंने उतार दिए हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका बीज जो है निकाल लेते हैं बाहर। इस तरह इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह मैंने आम की कटिंग कर ली है। पहले चूल्हे पर मैंने पतीला रख लिया है, इसमें एक गिलास पानी शामिल करते हैं और साथ ही जो कच्चे आम लिए हैं ये शामिल करते हैं और अच्छी तरह से इसको गला लेते हैं। दूसरी साइड पर मैंने पैन रखा है, पैन के अंदर पानी शामिल करते हैं हाफ कप। एक कप इसमें चीनी शामिल करते हैं, इसका अच्छी तरह से शीरा बना लेते हैं। आम हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए हैं। इसका पानी जो है मैं फेंक दूंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो गया है, इसको निकाल दूंगा पानी को, और जो आम का ये पल्प है इसको अलग कर लूँगा। एक बॉल ले लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखते हैं और ये पानी इसका अलग कर लेते हैं। ये मैंने पुदीना लिया है, ये बड़े पत्ते वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा मिंट होता है, ये शामिल करते हैं। जो आम बॉयल किया है वो शामिल करते हैं। वन टेबलस्पून इसमें सौंफ शामिल करने लगा हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ये शामिल करते हैं। काला नमक है, ये भी शामिल करते हैं। ये सफ़ेद वाला नमक है, ये भी शामिल करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। शीरा हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये शामिल करते हैं इसमें और अच्छी तरह से पका लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। तो इसको छान लेते हैं ठंडा करके। एक बॉल ले लिया है और छन्नी की मदद से इसको छान लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मैंने छान लिया है, इसको फेंक देते हैं। तो माशाल्लाह आम का पन्ना हमारा तैयार हो गया है, आम का शरबत। इसमें बर्फ़ शामिल करते हैं, गिलास में मैंने पानी डाल दिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।